What's going on guys? कैसे हैं आप सभी लोग? Welcome back to another video. And आप लोग देख सकते हैं आज मैं आ चुका हूँ चॉप के साथ ये अजीब सी बोट लेकर के. और ये देखो भाई मैं गिर भी गया. आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग यार आज यहाँ पर क्या करने आए हैं, पानी के अंदर उछल फांद कर रहे. Well guys, पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आज है ट्रेल मेकर्स का बोट चैलेंज. जी हाँ गाइज, हम लोग यार सुपर यॉट बनाने वाले हैं और ये सी शार्क्स गाइज मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को एक डेमो दिखाने के लिए कि कैसी बोट हम लोगों की यार फंक्शनल होनी चाहिए, स्टाइलिश होनी चाहिए एंड मोस्ट ऑफ ऑल एलिगेंट होनी चाहिए. भाई लुक्स उसके सबसे ज्यादा मैटर करते हैं. फास्ट तो होनी चाहिए और ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए गाइज, मतलब बहुत सारे डिमांड्स है मेरे बेसिकली. और तो और यार एक सुपर यॉट आपको डिजाइन करनी है, ठीक है? अभी हम लोग यार वॉरशिप नहीं बना रहे गाइज क्योंकि वॉरशिप मैटर नहीं करती है. तो एक काम करता हूँ मैं और चॉप यार यहाँ पर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एक मस्त सी शिप रेडी करते हैं और उसके बाद मिलते हैं गाइज आपसे. फर्स्ट भाई आपका शिप रेडी हो गया क्या भाई? अबे मेरा शिप कब का रेडी हो गया, तू जल्दी से आ जा. ऑलराइट गाइज, चॉप भी यहाँ पर पहुंच चुका है, उसने भी अपनी शिप बना ली है. लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपनी ये लाजवाब यॉट जिसका मैंने नाम रखा है पोसाइडन द सी गॉड. और गाइज कैसा लगा आपको ये मैंने समुद्र देवता जो है ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से मिस्टर पोसाइडन उनके नाम पे हम लोगों ने अपनी यॉट का नाम रखा है. एंड आप लोग देख सकते हो गाइज लुक्स जो है ना इसके बहुत ही ज्यादा शानदार है. फर्स्ट भाई आपने तो इंटीरियर भी बनाया है भाई, एकदम मेरा कॉपी कर लिया आपने. अबे कुछ कॉपी नहीं किया है. सो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ना मैंने स्पीकर लगाया हुआ है साउंड सिस्टम के लिए. और तो और आपको एक स्टोव देखने को मिलता है अगर खाना वाना पकाना हुआ तो. यहाँ पर एलईडी लाइट्स है, सिटिंग एरिया है, टेबल है, डाइन करने के लिए सब कुछ है. एंड अबे क्या कर रहा है, नीचे आना भाई, ऊपर क्या कर रहा है? फर्स्ट भाई आपने तो सीट भी लगाया है भाई, लगता है नीचे में. अरे भाई ऊपर नीचे दोनों जगह मैंने सीट लगाई है. एंड सबसे बेस्ट बात यह है कि आप यहाँ से भी शिप को चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो और अगर आप चाहो तो ऊपर से भी कंट्रोल कर सकते हो. सो गाइस दोनों तरफ से यार शिप को कंट्रोल किया जा सकता है. और अगर आप तूफान में फंस गए तब मैंने नीचे में कंट्रोल सिस्टम लगा दिया है. और गाइस ट्रस्ट मी इस शिप के अंदर इतनी जगह है ना कि आप आराम से पार्टी तक कर सकते हो. और पीछे में यार मैंने काफी जगह छोड़ दिया है यार, अगर आपको धूप वगैरह सेकना हुआ तब कर सकते हो आराम से वो काम भी. एंड यहाँ पर भी आप धूप सेक सकते हो. फर्स्ट भाई आपने तो बहुत कुछ लगा दिया भाई, ये तो चीटिंग है भाई, मेरे को बताया नहीं था आपने. अबे चल ना, मैं जानता हूँ कि तू यार अच्छा काम कर रहा होगा अपनी शिप पे. एक काम कर चल अपन दोनों टाइटैनिक करते. फर्स्ट भाई टाइटैनिक में मजा आएगा भाई, क्या कर रहे हो? अरे धक्का दे दिया भाई, बहुत चीटर आदमी हो भाई. अरे भाई ऐसे ही तो हमारी टाइटैनिक एंड होती है. ऑलराइट गाइस नाउ इट्स टाइम कि मैं आप लोगों को जो सबसे बेस्ट चीज है ना इस बोट की वो दिखाऊं. फर्स्ट भाई वो क्या है भाई, मेरे को भी बताओ ना यार. अरे वो है इसका ड्राइविंग यार, और ड्राइविंग के बिना कैसे. अरे और ये क्या हो गया? फर्स्ट भाई आपका सीट टूट गया भाई, कैसा बोट बनाया है आपने? ओ मैन मेरा सीट टूट गया. अरे यार रुको 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 भाई, अपन लोग थोड़ा यू नो प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, पहले इसको रिपेयर करने दो. एंड नाउ इट्स टाइम कि मैं ऊपर वाली सीट पर फिर से बैठूं. देखो ऊपर वाली सीट में गाइस असली मजा है. आप जानते हैं गाइस ऊपर से जो व्यू मिलता है ना यार एकदम लेजेंडरी है. आप लोग देखो कितना मस्त लग रहा है ना बोट मेरा चलते हुए हवाओं में. फर्स्ट भाई बोट बहुत ज्यादा हिल रहा है भाई, मेरे को डर लग रहा है. अबे टेंशन क्यों लेता है, ये देख जितना भी हिला ली ये बोट थोड़ी गिरेगा. फर्स्ट भाई आपका फिर से सीट टूट गया भाई. अबे क्या नल्ली बोट है यार, सीट ही टूट जा रही है इसकी. लेकिन गाइज ऑल जोक्स अपार्ट, हमारी बोट है ना बिल्कुल ही ज्यादा शानदार. और गाइज आप लोग को क्या लगा मेरी बोट के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं और इससे मेरे को पता चलते रहेगा कि आगे की फ्यूचर वीडियोस में आप क्या क्या देखना चाहते हो. सो गाइज मेरे और चॉप को यार ये बनाने में काफी समय लग गया, इनफैक्ट ये बोट मेरी है. आप चॉप का क्रिएशन देखोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि मेरे को हल्का सा यार दिखा था चॉप ने यार कुछ बहुत बड़ा बनाया है, डेफिनेटली मेरी बोट से तो यार बड़ा ही है. फर्स्ट भाई ये तो चीटिंग है भाई, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था ब्रो, आप तो पहले ही देख के बैठे हुए हो. अरे नहीं नहीं यार मैंने पूरा नहीं देखा है यार, बात को समझ. अभी हम लोग यार रिवील करने का खुद इंतजार कर रहे हैं कि तू बोट कब दिखाएगा और हम लोग यार कब देखेंगे. फर्स्ट भाई आप क्या चाहते हो भाई, मैं आपकी बोट को रेटिंग नहीं दूं, आप ऐसे काम कर रहे हो मेरी बोट के साथ. अरे नहीं भाई तू देना यार, एक काम करते गाइस यहां पर एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढते, वहां पर करते बोट को पार्क और चॉप से हम लोग फटाफट से यार यहां पर रेटिंग्स ले लेते कि उसको हमारी बोट कैसी लगी और वो 10 में से हम लोगों को कितने नंबर देगा तीनों क्राइटेरिया पे. एक है लुक्स, दूसरी है स्पीड और तीसरी है ड्यूरेबिलिटी. फर्स्ट भाई देखो भाई मैं सीधा सीधा बोलूंगा, आपकी बोट बहुत अच्छी दिख रही है भाई, लुक्स तो डेफिनेटली मजेदार है आपके. ऑलराइट तो कितना देगा तू? फर्स्ट भाई मैं आपको 10 में से 8 नंबर दूंगा भाई. 10 में से 8 नंबर? अबे 9 देना. फर्स्ट भाई नहीं 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 आप मेरी बोट देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे भाई. अच्छा ठीक है भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं 10 में से 8. और ड्यूरेबिलिटी का? फर्स्ट भाई देखो आपकी बोट मजबूत तो बोट है लेकिन वो सीट बार बार टूट जाती है भाई. अबे वो ठीक हो जाएगा, तू प्लीज उसको यार दिमाग में मत ले, अच्छा रेटिंग दे. ऑलराइट फर्स्ट भाई तो अगर मैं बिना उसको दिमाग में रखे भी दूं तब भी मैं 8 ही नंबर दूंगा भाई. अबे यार चलो कोई बात नहीं गाइस, ड्यूरेबिलिटी मतलब ठीक ही ठाक थी. मतलब यार आप एक बोट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, टैंक थोड़ी बना दूंगा मैं. ऑलराइट भाई एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, आपकी स्पीड यार मेरे से बहुत अच्छी है, मेरी बोट थोड़ी स्लो है फर्स्ट भाई लेकिन
फिर भी यार मानना पड़ेगा आपने बहुत तेज कर दिया इसको। ओके तो कितना देगा ये तो बता दे। फ्रॉस्ट भाई मैं इसको 10 में से लगभग 9 नंबर दूंगा भाई स्पीड के लिए, क्योंकि एक बोट के हिसाब से ये बहुत ज्यादा तेज है फ्रॉस्ट भाई। हाँ यार ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर पार कर जा रहे थे हम लोग पर आवर की स्पीड पे। लेकिन गाइज मैं आपको बता रहा हूँ आई हैव सीन बेटर, लेकिन फिर भी मैं इसकी रेटिंग को यार बुरा नहीं बोलूंगा। ऑलराइट इट्स टाइम टू गो लेडीज एंड जेंटलमैन। और अरे ओ भाई अबे नीचे तो पूरा पानी आ रहा है। फ्रॉस्ट भाई ये क्या बोट लीक मार रही है भाई, आपके नीचे से पूरा पानी आ रहा है, बंदा बह गया यार। सॉरी भाई ये देखिए थोड़े बड़े एरर से मेरे अभी तक ठीक नहीं हुए तो इनको इग्नोर कर ठीक है। अपन लोग चलते अब तेरी बोट पर क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते गाइज, वैसे भी टाइम की जो है अपन लोग के पास बहुत कमी है। फ्रॉस्ट भाई आई प्रेजेंट टू यू क्रेटोस द शिप किलिंग मशीन। और भाई साहब क्रेटोस नाम रख दिया तूने अपनी मशीन का शिप का। भाई इसकी शिप तो सही में साइज में गाइस बहुत ही ज्यादा बड़ी है। आई मीन आप लोग देख सकते हो यार जस्ट फ्रॉम कंपैरिजन हम लोगों के बोट से काफी ज्यादा बड़ा है यार इसका बोट। और तो और गाइस मेरे को ना जाने क्यों लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे डिजाइन को कहीं कॉपी किया गया है। फ्रॉस्ट भाई ऐसा मत बोलो यार, आपका डिजाइन थोड़ा ही सा कॉपी किया था मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन फिर भी यार ये चीटिंग है भाई। तूने मेरा डिजाइन देख लिया और सेम टू सेम डिजाइन को बस बड़ा करके गाइस ने यहां पे बना दिया है थोड़े मोड़े चेंजेस के साथ। बट यार इतना तो मानना पड़ेगा इसने भी बोट जो है काफी ज्यादा शानदार बनाई है। गाइस आप लोग को मैं एक ही चीज बोलूंगा, मेरी बोट ऐसा लग रही है ना कि एक करोड़पति की बोट है, लेकिन चॉप की बोट ऐसे लग रही है ना जैसे एक अरबपति की बोट है। समझ रहे हो गाइस, मतलब एक मेगा मैंशन सुपर यॉट टाइप लग रही है। और तो और इसमें जगह भी ज्यादा है, देखो नीचे भी आपको सीट्स मिलते हैं बैठने के लिए। फ्रॉस्ट भाई देखा मैंने बोला था ना यार कि मैं भी अच्छी बोट बना सकता हूं। और देखो भाई इसका ड्राइविंग सिस्टम दोनों ही नीचे में है भाई। ओ अच्छा ये तूने अच्छा किया यार, आई मीन सारे के सारे सीट्स और ड्राइविंग सिस्टम सब तूने नीचे रखा है ताकि यार ऊपर जो है बंदे को जाने की जरूरत ना पड़े। तो क्या बोट घंटा का लिया है तूने? फ्रॉस्ट भाई देखो ऐसा बात नहीं है भाई, सीढ़ी भी नहीं है इस बोट में, तो ऊपर जाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ मेरे को दिखाई दे रहा है भाई, यानी कि गाइस ये चॉप चाहे ना खुद अगर बोट चलाना तो थोड़ा इम्पॉसिबल है। चॉप की बोट को चलाने के लिए आपको एक पायलट की जरूरत है एंड आई कैन अंडरस्टैंड यार, क्योंकि देखो जब बंदा अरबपति होता है तो यार खुद थोड़ी बोट चलाता है। और गाइस मेरे को चॉप बता रहा था कि इसकी बोट में यार लाइफ सेविंग सी शार्क भी है। फ्रॉस्ट भाई वो इमरजेंसी बोट उसको कहते हैं जो वीडियो के स्टार्टिंग में चला रहे थे ना अपन लोग, भाई मैंने इस बोट में टूज दिया भाई। हाँ ये अच्छा किया यार, ये मैंने सोचा नहीं गाइस। एनीवेज गाइस आई थिंक हम लोगों ने काफी ज्यादा टूर दे दिया इसकी बोट का, नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव दिस बिहीमथ। और आप लोग देखो भाई इसकी स्पीड थोड़ी है तो कम, लेकिन फिर भी यार पानी का लीकेज नीचे कम हो रहा है। और देखो वो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि इसकी बोट की जो फर्स्ट लेवल है वो मेरे बोट की सेकंड लेवल जितनी ऊंची है। और ओ भाई साहब ये तो टर्निंग में बहुत ज्यादा स्लो है। फ्रॉस्ट भाई मैंने बोला ना यार बड़ी मशीन बनाने में यार स्पीड कम हो जाती है भाई, उसको इग्नोर करो ब्रो। ओके ओके अगर उसको इग्नोर भी करे तब भी भाई इतना स्लो मशीन मेरे को नहीं चाहिए यार, अगर मान ले तूफान वूफान में फंस गए तो कैसे भागेंगे भाई। फ्रॉस्ट भाई उसी के लिए तो मैंने सी शार्क रखी है भाई। अबे लेकिन वो छोटी बोट से हम लोगों का क्या होगा यार, तूफान में सब टूट फाट जाएगा। और देख अपने आप टूट भी गई, मतलब हो क्या रहा है यार, चलाते चलाते बोट टूट जा रही है। फ्रॉस्ट भाई मैंने बोला ना वो छोटी मोटी चीजें टूटती रहती है, देखो जब आप मशीन बड़ा बनाओगे तो यही होता है भाई। ओके ब्रो ओके मैं समझ गया। गाइस आप लोगों को क्या लगता है, मेरी शिप बेटर है या चॉप की है? और थोड़ा सा मैं यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी कर लेता हूँ अपनी बोट को मार करके। फ्रॉस्ट भाई कुछ भी नहीं होने वाला, ट्रस्ट में यार आपकी बोट भी थोड़ी मजबूती है भाई, मेरे भी यार एक्सट्रीमली मजबूत है भाई। हाँ मेरे को दिखाई दे रहा है, आई मीन गाइस जस्ट लुक एट इट, कोई भी बोट को उतना ज्यादा मेजर डैमेज नहीं पहुंचा है। ऑल्दो इसकी बोट यार कछुए से भी स्लो चलती है तो डैमेज पहुंचना ही इम्पॉसिबल है इस बोट पर, लेकिन फिर भी गाइस मैं बस यू नो टेस्टिंग के लिए बोल रहा था। और तो और आपको इसका जो बैक डेक एरिया है वो भी काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है इसकी बोट के अंदर, यानी पार्टी वार्टी करने के लिए ज्यादा जगह है इसके बोट के अंदर। लेकिन हाँ आप लोग अगर तूफान से भाग रहे हो शार्क से भाग रहे हो तब तो फिर भगवान ही आपको बचाएगा, क्योंकि इतनी स्लो बोट में तुम नहीं बच सकते हो यार। फ्रॉस्ट भाई देखो अब नेट पिक मत करो भाई, सीधा सीधा अपना रिव्यू डालो। ऑलराइट तो मैं भाई देखो सीधा बंदा हूं, ज्यादा यार कॉम्प्लिकेटेड हम लोग सिचुएशन को करेंगे नहीं। अबे पानी में क्यों उतार दिया? फ्रॉस्ट भाई एक सेकंड मेरे को बोट रिस्टार्ट करना पड़ गया। ऑलराइट तो गाइस मैं आप लोगों को बता रहा था कि लुक्स में डेफिनेटली यार जस्ट बिकॉज इसने मेरी बोट को सेम टू सेम करके बड़ा बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नंबर इंप्रूव कर दूंगा। चॉप ने मेरे को दिया था 10 में से 8, मैं भी इसको 10 में से 8 दूंगा। एंड यहां तक बात आती है स्पीड की, तो स्पीड के लिए गाइस मैं चॉप को देना चाहूंगा 10 में से 6 नंबर। फ्रॉस्ट भाई ऐसा क्यों कर रहे हो भाई यार, इतना स्लो बोट भी नहीं है भाई, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे भाई मैंने कछुआ बना दिया है। अरे भाई तूने कछुए से भी बुरी चीज बना दिया, बहुत स्लो ही है। फ्रॉस्ट भाई ठीक है भाई, आप क्या याद रखोगे भाई, यही दोस्ती यही प्यार, मतलब बोट के लिए भुला दिया संसार। अरे नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना है, देख मैं तेरे को अच्छा रिव्यू देने वाला हूँ। ओए ओए भाई अरे क्या कर रहा है तू, मेरी बोट क्यों तोड़ रहा है? फ्रॉस्ट भाई अभी आप ड्यूरेबिलिटी का नंबर देने वाले, उसके पहले मैं सोच रहा हूँ आपकी बोट तोड़ दूँ। अरे ये क्या हो गया,
अरे भाई साहब इसकी टाइटैनिक डूब गई गाइस। फ्रॉस्ट भाई मेरा बोट का आधा पार्ट खा गए यार आप। ऑलराइट जल्दी निकलो यहाँ पर से। अबे नूब आदमी क्या कर रहा है, हर जगह बोट फैला दिए तूने। फ्रॉस्ट भाई रुको मैं सारे बोट डिलीट कर रहा हूँ भाई, एक सेकंड दो मेरे को। गाइस यहाँ पर थोड़ा ज्यादा फसूड़ा मच गया, एक काम करना पड़ेगा सारे बोट्स को अपन लोग डिलीट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ऑलराइट गाइस चॉप की बोट को ना मैं ड्यूरेबिलिटी के लिए यहाँ पर देना चाहूंगा 10 में से 8 नंबर, सेम एज माई बोट, क्योंकि ज्यादा कुछ खास नहीं था। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर चॉप और मैं रेस लगा रहे हैं एंड डेफिनेटली मैं ही जीत रहा हूँ। फ्रॉस्ट भाई आपने इग्नोर कर दिया, आपकी बोट अभी गिरने वाली थी। अबे गिरने नहीं पलटने होता है, लेकिन मेरे को यार कोई डेंजर नहीं लग रहा है गाइस। और आप लोग देख सकते हो मैंने आप लोग को बोला था ना हम लोगों की बोट ज्यादा फास्ट है। वेल आई थिंक दैट कंक्लूड्स इट गाइस। आप लोग अपने कमेंट जो है बता देना यार कमेंट सेक्शन में हम लोगों को क्या पॉइंट्स देना चाहते हो। और मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ चॉप की बोट पलटने का एंड यस ये हुई ना बात। इसी तरीके से हम लोग वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, अगर आया है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर एंड स्टे फ्रॉस्टी।